हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसा है आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो में हमने अपनी वैगनार, हमारी जो लग गई थी, आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी दिखा दूंगा आपको। हमारी वैगनार लग गई थी, जरा एक बस वाले ने मार दी थी, तो आज उसका इंश्योरेंस क्लेम लेने जा रहे हैं। मतलब क्लेम तो खैर हमने एको से इंश्योरेंस करा रखा है, तो हमने ना अपने अकाउंट में पैसे ले लिए थे उनसे। तो उनकी कुछ ऐसी होती है पॉलिसी वगैरह कि आप अपने अकाउंट में ले सकते हो उनसे पैसे, तो हमने अपने अकाउंट में ले लिए थे पैसे। और उन्होंने जो मतलब जो भी हमारा मतलब पहले आया था उसका बंदा सब फोटो वोटो खींच के ले गए। मतलब बहुत ही लंबा सा प्रोसेस था, पर जो भी था मतलब मिल गए थे पैसे हमें आखिर में। तो एस्टिमेट वेस्टिमेट जितना ही मिला था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब वीडियो के एंड में बता दूंगा कितना हमें एस्टिमेट मिला था, क्योंकि अभी देखते हैं इसमें कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने कितने दिए हैं। और वो उसका बंदा आया था, इसकी लाइट वाइट मतलब सब बता दी थी मैंने, तो वो उनकी फ़ोटो वोटो खींच के लेके गया था। और फिर मतलब वही फ़ोटो खींची और फिर उनका वो प्रोसेस हुआ था, फिर उसने बैंक बैंक अकाउंट डिटेल मांगी, तो वही मतलब बड़ा लंबा सा प्रोसेस था। मतलब एट द एंड हमें मिल गया था, मतलब क्लेम एक सर्टेन अमाउंट हमें मिल गया था, तो जितना ही मिला तो आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, क्योंकि अभी इसको सही कराने जा रहे हैं हम, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे क्या पता, जितने उन्होंने एस्टिमेट दिया उससे ज़्यादा लग जाएँ या कम लग जाएँ। तो इसमें भी क्या क्या है ना, मतलब क्या क्या इसमें कमी है वो अभी आपको दिखाता हूँ। एक जगह रुक के गाड़ी रुक के जब दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कमी है, क्योंकि ये मार दी थी एक बस वाले ने, आपने मतलब वीडियो में देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे मत करो आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार। इस बार एक छोटा सा गोल रखते हैं, कितने सब्सक्राइबर करके 300 सब्सक्राइबर का रखते हैं, ठीक है? तो आप सब अभी हमारे अप्रोक्स जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो होंगे 140 या 150 के आसपास, अप्रोक्स इतने ही होंगे, तो 200 का रखते हैं, 300 तो चलो ज़्यादा हो गए, 200 सब्सक्राइबर का रखते हैं, 200 सब्सक्राइबर पूरे कराओ, ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसमें बाहर से क्या मतलब कहाँ कहाँ लगी थी और क्या क्या इसमें सही कराना है। तो एक तो भाई इसका बोनट ही है, ये बंद ही नहीं होता, ठीक है? ये लग गई थी इसमें, ये पूरी ये है ना, और इसका बोनट बंद नहीं होता है, खुला ही रहता है साला, सॉरी ये खुला रहता है। इसका ये इसका लॉक टूट रहे हैं इसके, और तो भाई छोटे मोटे स्क्रैच हैं, और ये एक ये पूरी इसमें मतलब घिस दी थी ये, और एक इसकी ये डिग्गी है, ये पूरी अंदर दब गई थी, मतलब ये छोटे छोटे काम है। हाँ, एक इसकी हेडलाइट है आई थिंक, ये हाँ ये वाली हेडलाइट है, देखो दिख रही ना आपको, ये इसका रिफ्लेक्टर टूटा हुआ था रात को, ये हाई बीम पे चलती नहीं है। तो बस वही सब कराने जा रहे हैं आज, तो देखते हैं कितना खर्चा होता है और जितना उन्होंने एस्टिमेट दिया है उतने में हो पाता है या नहीं हो पाता। चलो तो चलते हैं, और कराएंगे कहाँ से, वही अपनी फेमस जिससे हमने स्कॉर्पियो की कराई थी, इसकी सर्विस कराई थी, मुस्कान मोटर्स गुड़गांव में जो है, वही सही है, वही मतलब ट्रस्टेड लगते हैं मुझे कि वहाँ से करा लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी सर्विस कराई थी तो मतलब सब अच्छा कर देते, स्कॉर्पियो की कराई थी, तो वहीं चल रहे हैं, वहीं कराते हैं इसकी। चलो तो चलते हैं, लेट्स गो। और भाई मैं बताना भूल गया था, इसका अलाइनमेंट और कराना है। ये देखो हैंडल टेढ़ा है जब सीधी चल रही है, तो इसके अलाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वही अलाइनमेंट तो आउट हो ही जाता है, धसकी वसकी में चली जाती है कभी गड्ढे वड्ढे में एकदम, तो वही ये छोटे मोटे हैं खर्चे, मैंने अब आगे आपको दिखाई दिया जो जो है इसमें। और एक इसका अलाइनमेंट आउट है, अभी दिखाता हूँ, देखो अब देखो इसका हैंडल अब सीधा है, और देखो बिल्कुल लेफ्ट में भाग रही है ये गाड़ी सीधी सीधी। चलो इसको भी कराते हैं, चलते हैं। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं मुस्कान मोटर्स, और देखते हैं कैसा सब कुछ में निकलता है, मतलब अभी आए नहीं है भैया, आने देते, उनका वेट करते हैं फिर बताते हैं क्या जो भी इसमें कुछ होता है। तो भाई हमारी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है पूरा, हमें गाड़ी अभी मिली है, तो इसमें भाई देखा जाए तो पूरा पूरा काम हो गया, देखो चारों तरफ से देख लो पूरी नई हो गई है गाड़ी। अब इसमें आपको बताऊँ, खर्चा जो हमें एस्टिमेट दिया था एको वालों ने, वो दिया था 8,000 रुपये का, जो उन्होंने हमारे अकाउंट में दिए थे, और अपना खर्चा बताऊँ इसमें
तो खर्चा चलो बता दो, पहले बताओ काम क्या हुआ है। एक तो इसका ये बोनेट हुआ है, ठीक है, इसका बताता हूँ, इसमें खोल के बताता हूँ मैं, रुको। खोलते हैं बोनेट, अब दिखाता हूँ आपको। देखो अभी इसमें इतना गैप है ना, इतना खुलने के अब है, ये इसमें पहले था इतना गैप, ये बंद भी नहीं होता था, अब पूरा अच्छे से बंद हो चुका है। और तो ये यहाँ से खुल के दोनों तरफ से ये एडजस्ट हुआ, पहले इसमें लगता था ये खुलता नहीं था ढंग से, अब इसका मतलब देखो बंद भी पूरे अच्छे से होने लगा, मतलब पूरी एडजस्टमेंट हो चुकी है बोनेट की। यहाँ पर जो डेंट था वो भी निकल गया, अब इस पर रबिंग होनी रह रही है, रबिंग इस पर हुई नहीं है अभी। अगर रोड नॉइस आया तो भाई सॉरी, हम बाहर आए हुए हैं तो मैं सोचा बता देते हैं वीडियो में, तो इस पर अभी रबिंग रह रही है, रबिंग होगी। कितने दिन बाद होगी रबिंग? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद इस पर रबिंग होगी। इसकी लाइट चेंज हुई है, ये इसका इसमें काम हुआ है, इसका नया बम्पर डला है, बम्पर इसमें नया से डला है, क्योंकि यहाँ पे इसके लॉक टूट गए थे पूरे, और एक लग गई थी यहाँ पे बाहर से बोर्ड लगा रखा, अच्छा लग रहा था, लॉक टूट गए थे, नक्के इसके जैसे बोलते हैं वो सब टूट गए थे, तो नया बम्पर डला, ये डला, नई लाइट डली है। और तो क्या काम हुआ इसमें? और ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है। हाँ बाकी तो यही काम हुआ है इसमें, बाकी इसकी रबिंग रह गई है अभी, वो ज़रूर मतलब 4-5 दिन में करवा देंगे इसकी रबिंग, और तो कुछ इसमें रहा नहीं है। हाँ भाई इसमें वो रह गया अभी पीछे का डेंट, मैंने बताना भूल गया, ये डेंट पड़ रहा है ना ये और निकलेगा अभी जितनी रबिंग होगी ना उस दिन। तो बाकी तो बस यही इसमें खर्चा आया था, खर्चा, हाँ खर्चा तो बताया नहीं मैंने, खर्चा आया इसमें कितने का आया बता? 8,590 रुपये खर्चा आया इसमें। और भाई काम इतना जेन्युइन हो गया, मतलब मुस्कान मोटर से कराया था, आपने देख लिया होगा, अभिषेक भैया ने मतलब करवा के दिया काम, बहुत ही बढ़िया काम हुआ, हम बहुत ही संतुष्ट हैं। आप जा सकते हैं उनकी दुकान पे, पूरी रिकमेंडेड है गुड़गांव में, भाई डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, मतलब उनके पूरा एड्रेस और नंबर भी डाल दूंगा, आप जा सकते हैं उन पे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और स्कॉर्पियो में क्या रह गया अभी? स्कॉर्पियो बोल लेते हो सस्पेंशन डले, सस्पेंशन डले तो उसके बोल्ट वोल्ट टाइट होंगे, और स्टीम वॉश होगी, रबिंग वगैरह होगी, अंदर बाहर से पूरी होगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए ऐसी ऐसी चैनल सब्सक्राइब करो यार, मैंने वीडियो में 200 सब्सक्राइबर का गोल रखा है, वो गोल पूरा करो, मुझे नहीं पता कैसे भी करो, आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो देख लो भाई गाड़ी नहीं हो चुकी, किसी की नज़र ना लगे, भगवान बढ़िया चले अभी ये। और अभी फ़िलहाल आए हैं हम यहाँ पे लापिनोस पिज़्ज़ा, कल भी आए थे, कल वीडियो बनाई थी, आ जाए तो आज वीडियो बनाएंगे इसकी, मतलब जो भी होगा आपको दिखा देंगे। और फिलहाल तो इस वीडियो को आगे जैसे भी होगा बताएंगे, भाई हमारे सब्सक्राइबर गोल पूरे करवाओ प्लीज़, फिर आपको स्कॉर्पियो की वीडियो देखने को मिलेगी, उसकी स्टीम वॉश की या जो भी होगा सब आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, और मेरा भाई जिन दोनों साथ रहेंगे। तो फिलहाल तो चलो ऊपर चलते हैं, जैसा भी होगा बताते हैं। गाइस आ गए हम, क्या नाम है इसका, लापिनोस पिज़्ज़ा। भाई गाड़ी काम तो हो गया पूरा, अब पार्टी दे रहा है इस बात पर, पार्टी दे रहा हूँ, मतलब पार्टी मैं नहीं दे रहा हूँ, पार्टी ये दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ खाने आया हूँ। ऐसी बात हुई देने, चल ठीक है आ जा। चल तो भाई काम तो हो गया, हम सोचा गाड़ी नहीं होगी तो क्यों ना पेट पूजा भी हो जाए। पूरी अपनी गाड़ी यहाँ पे नाम आ रहे हैं, कल भी हम आए थे, आज फिर आ गए हैं, कल अच्छा लगा था काफ़ी, तो आज भी ट्राई करने आए दोबारा। गाड़ी का काम कैसा लगा तो ये बता। बढ़िया, सही हो गई, बेहतरीन, एक नंबर। चलो तो स्कॉर्पियो पैसा वसूल, स्कॉर्पियो लानी है, स्कॉर्पियो भी लेके आएंगे, उसका भी काम होएगा, उसका काम होएगा। चलो बताते हैं अभी जैसा भी होता है, ऑर्डर कर देता हूँ एक बार। भाई सब्सक्राइब करो यार चैनल को जल्दी से, ऐसे मेरे नाम से देखने के लिए। गाइस ये आया हमारा पिज़्ज़ा, सेम सही है, ट्राई करते हैं। तो गाइस हम यहाँ से पिज़्ज़ा खा के बस निकल चुके हैं, अब सीएनजी भरवाएंगे इसमें, कितने घंटे से? एक घंटा इसमें, तो अब सीएनजी पंप से सीएनजी भरवाएंगे बस। अरे बहुत चल गई उस पर, कितने चल रही है? 170 चल गई लगभग, 170 चल गई, काफ़ी अच्छे है, जिस वैसे वैगनार था डेली यूज़ के लिए, अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी भाई, एक नंबर गाड़ी। देखो इंटीरियर भी तो काफ़ी अच्छी लगता है इसका, प्रीमियम से मैं तो। अबे भाई सही है, ऑल्टो फॉल्टो इनसे i10 से बाहर से सीएनजी लगवा लो, फिर चलती है नहीं, धक्के मारे हैं तो फिर भी ठीक है, अच्छी गाड़ी है, पावर इसमें खूब है, मगे भाई खूब। सीएनजी कितने की आएगी? 355 अच्छा। अरे यार फिर भूल के कार्ड कैश, पिछली बार भी तो यही हुआ था। तो चलो आज की वीडियो एंड करते हैं, कितने की सीएनजी आई इसमें? 355 की सीएनजी आई है। तो चलो गाइस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं,
ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच भाई। देखो लाइट बिल्कुल बढ़िया हो गई, बढ़िया डीपर मार रही है। चलो सब्सक्राइब कर देना ध्यान से, 200 का गोल है पूरा करना है। हाँ जी।